हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम योर इंग्लिश बुक, दैट इज द पाइप लाइटर। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। फादर: सन, डिड यू गेट योर रिपोर्ट कार्ड? सन: यस डैड, आई हैव गॉट इट। फादर: यू हैव गॉट इट? व्हेन? व्हाई डिडंट यू शो इट टू मी? सन: यस्टरडे आई फॉरगॉट टू शो इट टू यू। फादर: यू फॉरगॉट? सन: वेल, आई वॉज गोइंग टू और व्हाट आई थॉट। डज द डायलॉग रिंग अ बेल एट लीस्ट इन सम ऑफ यू? ये डायलॉग है फादर और सन के बीच में, जो कि फादर जो है वो रिपोर्ट कार्ड की डिमांड कर रहे हैं अपने सन से, अपने बेटे से, और सन जो है वो बहानेबाजी कर रहा है। तो ये जो इसमें राइटर ने बताया है डायलॉग दे करके कि क्या हमारे तुम्हारे साथ भी या हम लोग के साथ कभी भी ऐसा हुआ है रिपोर्ट कार्ड को लेकर के? वेल, इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल दोज हु वेयर बैडली इन देयर एग्जाम्स। ये जो है एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है रिपोर्ट कार्ड को लेकर, जो कि जिनका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। हाउ डू दे डील विथ इट? जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं होता है वो इससे डील कैसे करते हैं? तो इस पोयम में हम लोग वो पढ़ेंगे। तो इसमें कैरेक्टर, इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? अर्नेस्ट रेलेंड स्मिथ, जो कि नाम है किसका, तो स्कूल बॉय ऑफ 14 ईयर्स का एक स्कूल बॉय का। मिस्टर रेलेंड स्मिथ, हिज फादर, अर्नेस्ट के फादर का नाम है मिस्टर रेलेंड स्मिथ। वो कौन है? इज सेल्फ इम्पॉर्टेंट बिजनेसमैन है वो। अंकल टॉम, अंकल है उनका नाम है टॉम। मैरी अ सर्वेंट, अ बॉय ऑल्सो नेम्ड स्मिथ, और एक और लड़का है जिसका नाम भी है स्मिथ। द सीटिंग रूम ऑफ द रेलेंड स्मिथ, इट इज जस्ट बिफोर 7 PM, अ फ्यू डेज बिफोर क्रिसमस। अब ये जो लोकेशन है जहाँ पे हम लोग ये प्ले अब जहाँ का पढ़ रहे हैं वो है सीटिंग रूम में, जहाँ पे रेलेंड स्मिथ जो है वो बैठते हैं, और समय हो रहा है अराउंड 7 PM शाम के, और ये समय है कब है, तो क्रिसमस से कुछ दिन पहले की बात है ये। अर्नेस्ट इज बेंडिंग डाउन ओवर द रेडियो टर्निंग कंट्रोल्स एंड द सेट इज मेकिंग अ टेरिबल नॉइज एज हिज फादर एंटर्स। अर्नेस्ट जो है वो रेडियो जो है उसको ऑपरेट कर रहा है, पर वो अचानक से बहुत ही टेरिबल मतलब भयानक आवाज़ करता है, और उसी समय उसके फादर जो होते हैं वो इंटर करते हैं घर में। फादर: फॉर गुडनेस सेक लीव दैट थिंग अलोन एंड लेट्स हैव सम पीस एंड क्वाइट एनी लेटर्स फॉर मी। उसके फादर थोड़े इरिटेट होकर के उस आवाज़ से बोलते हैं, उसे अकेला छोड़ दो क्योंकि मुझे शांति से रहना है, और फिर उसे पूछते हैं कोई लेटर आया था मेरे लिए। अर्नेस्ट: आई डोंट थिंक सो डैड, बट द इवनिंग पोस्ट हैजंट कम इन येट। बोलता है मुझे नहीं पता, लगता है इवनिंग पोस्ट अभी तक नहीं आया है। फादर जो है वो अपना घड़ी देखते हुए बोलते हैं, लेट अगेन, वापस से लेट हो गया। इट जस्ट द सेम एज द रेस्ट ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली। मैरी टेल्स मी द टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर अगेन। तो बोलता है कि कुछ भी जो है वो टाइम पे नहीं हो रहा है, पब्लिक सर्विस कुछ भी टाइम पे नहीं हो रहा है, और मैरी जो उसकी सर्वेंट थी वो उसको बताई थी, फ़ोन भी जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर चला गया है। अर्नेस्ट: इट्स द वेदर, आई एक्सपेक्ट। तो अर्नेस्ट जो है वो बोलता है मे बी कि वेदर जो ख़राब है उसके कारण इतना लेट हो रहा होगा। फादर: व्हाट डू यू मीन? व्हाट्स द वेदर गॉट टू डू विथ इट? उसके फादर जो है वो क्वेश्चन कर देते हैं उल्टा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, इससे वेदर का क्या लेना देना है? अर्नेस्ट: आई थॉट परहैप्स स्नो। तो अर्नेस्ट जो है वो बोलता है हो सकता है बर्फ जो गिर रही है उसके चलते। फादर: वेल, डोंट थिंक इट्स प्रोबेबली ड्यू टू केयरलेसनेस एंड लेजीनेस और एंड गुडनेस नोज आई गेट इनफ ऑफ दैट एट द ऑफिस। नोबडी सीम्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्क नाउ इट इज, विच रिमाइंड्स मी शुडंट यू बी डूइंग योर होमवर्क। तो उसके फादर जो है वो काफ़ी गुस्से में बोलते हैं, नहीं, ये कोई स्नो, कोई बारिश या कोई भी मौसम की वजह से नहीं हो रहा है डिले, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के केयरलेसनेस की वजह से, लेजीनेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो लोग को टाइम का कुछ भी जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, जिस तरह तुम्हें अपने होमवर्क का इम्पोर्टेंस नहीं है। अर्नेस्ट: वी हैव ब्रोकन अप दैट। फादर: वॉट ऑलरेडी? इट्स ओनली 3 days टू क्रिसमस। फादर: आई शुड हैव थॉट क्रिसमस ईव वुड हैव बीन सो सून इनफ, आई शैल बी एट द ऑफिस टिल देन। तो अर्नेस्ट जो है वो फिर पैसा की डिमांड करता है अपने फादर से, क्योंकि क्रिसमस जो है वो आने वाला था। फादर: सो इट सीम्स यू विल डिस्कवर डैट फॉर योर सेल्फ सम डे लाइफ इजेंट ऑल प्लेजर वैन यू हैव लेफ्ट स्कूल। तो उसके फादर जो है उसको मनी का इंपॉर्टेंस समझाते हैं कि तुम्हें तब ये समझ में आएगा जब तुम स्कूल छोड़ोगे, इस सारे जो फैसिलिटी तुम्हें मिल रही है ये सब तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा तब। अर्नेस्ट: नॉर वाइल यू आर देयर। फादर: नॉनसेंस माई बॉय, नॉनसेंस, वाई वाई माई स्कूल डेज वेयर द हैप्पीस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। तो उसके फादर बोलते हैं कि सबका स्कूल डेज जो होता है जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट डे होता है इंटायर लाइफ में। अर्नेस्ट: अंकल टॉम डजंट से डैट, ही सेज ही हैड अ रॉरन टाइम।
तो अर्नेस्ट बोलता है, पर अंकल टॉम तो कुछ और ही बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं स्कूल टाइम सबसे बैड टाइम था। फादर, ओ डज ही इज़ प्रोबेबली फॉरगॉटन। तो फादर जो होते हैं वो बोलते हैं, सच में लगता है वो भूल चुका है। अर्नेस्ट, ही हैजंट फॉरगॉटन द बीटिंग्स ही यूज टू गेट। तो अर्नेस्ट जो है वो बोलता है, हाँ वो मतलब उनको बचपन में बहुत पिटाई पड़ती थी और वो भूले नहीं हैं। तो फादर बोलते हैं, आई हैव नो डाउट ही रिचली डिजर्व दैम। इफ ही हैड डन हिज लेसन्स प्रॉपरली एंड बिहेव्ड हिमसेल्फ, ही वुडंट हैव बीन पनिश्ड। एवरीबडी नोज डैट बाय द वे यू डोंट यू यूजली ब्रिंग होम अ रिपोर्ट कार्ड एट द एंड ऑफ द टाइम टर्म। तो फादर जो है वो बोलते हैं कि वो जो है वो बदमाशी करता था, इसीलिए वो डिज़र्व करता था पनिशमेंट, क्योंकि वो अपना लेसन प्रॉपरली याद नहीं करता था, होमवर्क नहीं बनाता था, और ये चीज़ सबको जो है वो पता है। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं लाए हो, तुम्हारी तो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गई। यस डैड, बोला यस डैड। देन वेयर इज़ इट, तो कहाँ है वो, वाई हैवेंट आई सीन इट, मैंने अभी तक वो देखा क्यों नहीं है। अर्नेस्ट, आई वॉज वेटिंग टिल आफ्टर सपर टू शो इट टू यू। अर्नेस्ट जो है वो बोलता है, ठीक है मैं लाता हूँ, मैं अभी वेट ही कर रहा था सपर का कि हम लोग खाना खा लें, रिलैक्स हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। फादर, वॉच एवर फॉर, नो टाइम लाइक द प्रेजेंट माई बॉय, आउट विद इट एंड लेट सी वॉट योर मास्टर से अबाउट यू दिस टाइम। इफ़ आई रिमेंबर राइटली यू वेयर प्रीटी लो इन योर फॉर्म लास्ट समर। तो उसके फादर जो है वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए, ये बोल के कि लास्ट टाइम तुमने काफ़ी पुअर जो है वो परफॉर्मेंस दिया था, तो इस बार मुझे देखना है कि तुमने कुछ प्रोग्रेस किया है कि नहीं किया है। अर्नेस्ट, बट आई वॉज इन द सेकेंड 11th क्रिकेट टीम एंड डिड अ लॉट ऑफ स्विमिंग फॉर द स्कूल। अर्नेस्ट जो है वो बोलता है, पर मैं जो हूँ सेकेंड आया था 11 क्रिकेट टीम में, और मैं जो हूँ स्विमिंग भी बहुत अच्छा करता हूँ। फादर, वेल वेल डेट वॉज समथिंग इन योर फेवर, चलो कुछ तो तुम्हारे फेवर में आया, तुम किसी चीज़ में तो अच्छे हो। आई डोंट पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू टू लर्न नथिंग बट गेम्स, इट्स वर्क डैट काउंट्स एवरी टाइम। तो वो जो है वो बोलते हैं अर्नेस्ट को, मैं तुम्हारा जो स्कूल फी जो पे करता हूँ वो मैं खेल कूद में नहीं पे करता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई के लिए पे करता हूँ, अब लाओ रिपोर्ट कार्ड मुझे देखना है। अर्नेस्ट, ओ नो डैड हियर इट इज़। तो अर्नेस्ट जो है वो उसको इनवेलप मतलब अपने पॉकेट से निकालता है इनवेलप और देता है। फादर, नॉट टू क्लीन, फादर देखते हुए बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड क्लीन नहीं है। इनवेलप को कट करते हैं नाइफ से जो उनके पॉकेट में था, उसके बाद रिपोर्ट को वो अनफोल्ड करते हैं और पढ़ना जोर जोर से चालू करते हैं। सी आर, हु सी आर, मिस्टर रीड, ही टेक्स अस फॉर स्क्रिप्चर एंड मैथ। फादर, हम अ क्वेर कम्बिनेशन एंड येट आई डोंट नो आई सपोज देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अरिथमेटिक इन द बाइबल एंड प्रेयर बुक। इंग्लिश कंपोजिशन शोज ओरिजिनैलिटी दैट माइट मीन एनीथिंग, ग्रामर गुड, केयरफुल वर्क्स, रीडिंग गुड, राइटिंग वेरी फेयर, स्पेलिंग इम्प्रूविंग। ये सारे चीज़ें जो है वो रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ था कि ग्रामर में गुड है, केयरफुल वर्क, रीडिंग में गुड है, राइटिंग भी वेरी फेयर है, स्पेलिंग भी जो है वो इम्प्रूविंग मतलब वो इम्प्रूव कर रहा है। ये सब पॉजिटिव था उसके रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ। थैंक हैवन फॉर डैट। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उसके फादर, चलो इतना में तो अच्छा लाया। द लेटर्स यू रोट मी वेन आई वॉज एब्रॉड वेयर फुल ऑफ मिस्टेक्स, हिस्ट्री प्रॉमिसिंग, जियोग्राफी गुड, सिविक्स वॉट आर दे। हिस्ट्री में प्रॉमिसिंग था लिखा हुआ, जियोग्राफी में गुड था, सिविक्स में वाट आर दे। तो उसके फादर पूछते हैं कि सिविक्स जो है वो क्या है। तो अर्नेस्ट जो है वो बोलता है, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, ये न्यू सब्जेक्ट है डैड, द हेड टेक्स अस इन डैट। फादर जो है वो बोलते हैं, बट व्हाट्स इट ऑल अबाउट, सिविक्स जो है उसमें क्या रहता है। तो अर्नेस्ट जो है वो बोलता है, ओह एवरीडे न्यूज़, इसमें रोज़ दिन का न्यूज़ रहता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ रहता है। द ओल्ड मैन समटाइम्स कॉल इट करंट अफेयर्स, और जो टीचर है वो कभी कभार इसको करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे, पार्ट टू, वी विल डिस्कस पार्ट टू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।